नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना योग गुरु उमेश जोशी। साथियों, आज जो हम चर्चा करेंगे उसमें सर्वप्रथम पहला जो शब्द है वह है संयम। संयम एक बहुत बड़ी साधना है जिसके जीवन में संयमन होते हैं। संयमन का अर्थ है विवेक शक्ति का पदार्पण। संयमशील व्यक्ति जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं वो बड़े ही सोच और समझ कर, और ऐसे निर्णयों को वो लेते हैं जो जीवन में कभी भी किसी को क्षति नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि उचित निर्णय लेने की क्षमता का प्रभाव उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो संयम का अर्थ है उसमें हमें वाणी संयम करना है, आहार में संयम करना है, और जीवन में होने वाले सबसे पहले जो हमें आकर्षित करती हैं, जो हमारे चेहरे पे एक मुखमंडल पे पंच इंद्रियां हैं, इंद्रिय संयमन। तो कहने का अर्थ है संयमन शब्द को आप जानें, जीवन को संयमित करें, आदर्शवान बनाएं और सत्संग को जीवन में धारण करें। जो ध्यान है, जो योग है, वो अर्थात अंदर की ओर मिलने वाला है, एक परमात्मा का एक अकल्पनीय संयोग जिसे कि हम योग कहते हैं। जब हम अंदर आंतरिक धरातल में स्वयं के साथ जुड़ते हैं तो वही धरातल हमें जीवन के वास्तविक सत्यों के साथ जुड़ने का अनुभव प्रदान करता है। तो संयमन, तो साधना में संयम को कैसे अपने अंदर प्रणीत करें, प्रदीप्त करें, जागृत करें, इस भाव को प्रदीप्त करने के लिए निरंतर आपको अपने अंतर जगत में प्रवेश करना होगा और उसी अंतर जगत में अपनी ज्ञानात्मक मीमांसा के माध्यम से अपने आंतरिक चक्षुओं को जागृत करते हुए आपको संसार में होने वाली समस्त गतिविधियों के साथ अनुकूल करने की शक्तियों का पदार्पण हमें स्वतः ही प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। जिस तरह की श्री कृष्णाय वयम नुमः एक शब्द है, जब वेद व्यास जी ने अकल्पनीय श्रीमद् भागवत कथा के उस ग्रंथ को लिखा है तो उसमें श्री कृष्णाय वयम नुमः का अर्थ है कि वो हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने उस प्रार्थना को हम सभी के लिए किया है। तो कहने का अर्थ है जीवन को संयमित बनाए, संकल्पवान बनाए और संकल्पों को बिल्कुल सुगठित तरीके से लक्ष्य के साथ परिमार्जित करते हुए संकल्पबद्ध अपने जीवन को व्यतीत करें। जिनके संकल्प पक्के होते हैं उनके जीवन में संयम रहता है, जिनकी वाणी में मधुरता होती है उनके जीवन में संयम रहता है, जिनके आहार में परिशुद्धता होती है उनके जीवन में संयम रहता है, और सबसे बड़ा जीवन का जो सार है सत्य चित्त आनंद और साथ ही साथ सच्चित संयम भी कह सकते हैं। तो सत्य चित्त जहाँ होगा वहाँ पर संयमन भी स्वयं ही निवास करेगा। तो साथियों, जीवन में हमेशा सकारात्मक जीवन शैली को अपने अंदर प्रतिपादित करें, जीवन को संयमित बनाएं,